तो भाई लोग कैसे गुजरे जिंदगी। तो लो भाई मैं आ गया हूँ तुम्हारा डोला रे डोला रे डोला पार्ट टू लेकर। अब जिन लोगों ने पार्ट वन मेरे चैनल पर नहीं देखा हो तो भैया लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तुम लोग जाकर देख सकते हो, हिला सकते हो, बस देख ही सकते हो उसमें, बस यही है। खैर तो पार्ट वन के एंड में हमने देखा कि शुभू अपनी बड़ी बहन जारा के साथ मार्केट निकल आती है, जहां वो कच्छा बनियान ब्रा पैंटी अंडे वाला बर्गर किस किस तरीके की दुकान में घुस के डिल्डो ढूंढती हैं। लेकिन फिर भी जिल्लत के सिवा कुछ हाथ लगता नहीं इनके। अब इन्हें जब डिल्डो कहीं नहीं मिलता तो ये शरीफ खानदान की मासूम बच्चियां मुंह में डिल्डो के आकार की कुल्फी का चुपकचू चुपकचू लगा लगा के अपने घर की तरफ रवाना होती है, और रास्ते में इनका मुंह ऐसे उतरा होता है जैसे मानो बाजार में किसी अपने को भूल आए हो। लेकिन ये अभी अपनी कुल्फी का भरपूर मजा लेने के साथ साथ घर की तरफ आगे बढ़ती हैं। अब घर रात होते ही फिर इस झोल जैसी खातून को कोई कीड़ा चुमता है और इसे वही अपने डिल्डो की यादें सताती हैं, और फिर ये अपने आप ही को कहती हैं, आप मुझे लगता है ना कि हम गलत दुकान में चले गए, कलम सही जगह जाएंगे। बस भाई इतनी बेइज्जती के बाद एक नलायक कमीना खोते का पुतला टाइप लड़का भी एक बार को शर्म खा जाए, लेकिन यहाँ तो भैया कॉन्फिडेंट लेवल कतई थोड़ा चीरता हुआ जा रहा है बे। अब बड़ी बहन उसकी बात को ऐसे इग्नोर करती है जैसे मानो हम लोंडे पबजी खेलने के दौरान अपनी मुंह बोली बीवियों को कर देते हैं। और एक बात तो बताओ यार, ये कैसा घटिया 30 फ्रेम शूट करा है बे। पहले पार्ट में यही औरत कतई बुलेट के माफिक सीना चीर रही थी, और यहाँ तो देखो अलग ही फिटकार है यार। तो बा खैर तो शुभिन अब अपनी फ्रेंड राशि को कॉल करके वो सारी मार्केट वाली बातें बताना शुरू करती है, और आगे से मैडम कहती है तुम लोग सच में चले गए थे? नहीं मजाक में ही चल दिए थे, भैंचोद पागल है क्या ये औरत? वहाँ उन दोनों बहनों की जिंदगी झंड हो रखी है, बेचारियों को डिल्डो नहीं मिल रहा, बताओ डिल्डो नहीं मिल रहा, इतनी बेजार जिंदगी हो रखी है, और तू बकचोदी पेल रही है साली, जा अपने दोस्त लोगन की मदद कर, उन्हें डिल्डो हाथ करवा कहीं से बे। सुन तू टेंशन मत ले, मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? तू कुछ गड़बड़ मत करना, ना उससे बुरा कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर वही बकचोदी, सारी कहां से लाती बकचोदी मचा रखी है। और इसके अगले दिन शुभिना और राशि ने खुद पर काबू ना पाते हुए डिल्डो फाइनली ऑनलाइन ऑर्डर करवा दिया होता है, और जब ये बात जारा को पता लगती है तो पहले बड़े मजे वाली फीलिंग होती है, उसके बाद ख्याल आता है ससुरा एड्रेस तो अपना ही चला गया, डिल्डो कहीं घर आ गया, अब्बा ने रिसीव कर लिया तो लौड़े लग जाएंगे, तुम दोनों के लौड़े लग जाएंगे, लौड़े लग जाएंगे, हाँ तुम दोनों के भेंचो लौड़े लग जाएंगे। खैर तो जारा उससे मोबाइल छीन कर ऑर्डर को कैंसिल करवाने की कोशिश करती है, और फिर ये फीमेल वर्जन ऑफ हल्क उससे मोबाइल छीनकर ऑर्डर को कैंसिल करवाने के बजाय उस प्रोडक्ट को और अच्छी क्वालिटी में रिप्लेस करवा देती है, और ऐसी वैसी क्वालिटी नहीं, जरा चीज का नाम तो सुनो है क्या, डबल पेनिट्रेशन विद वाइब्रेटर। ओ डबल पेनिट्रेशन चाहिए इन्हें भाई, हवस इतनी सर चढ़ रखी है, सिंगल से तो काम ही नहीं होगा, जरूरत तो डबल की पड़नी है भाई। खैर तो अब ये ऑर्डर रिप्लेस होकर राशि के एड्रेस पर डन हो जाता है, राशि के घर पर उससे पूछा भी नहीं। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये औरत क्या कर रही है तो ये खातून अपनी नींद में पूरे मजे ले रही है, और कोई बात नहीं है, मतलब अब इनको इस तरह के ख्वाब आने लगे हैं, और भैया चलो सब सही है, लेकिन इस तरह की हराम काम करने के लिए ऐसे खौफनाक तरीके से कौन स्माइल करता है बे। तुम्हें पता है ऐसी स्माइल मोहल्ले की वो औरतें पास करती है जब उनकी 4 साल बाद निकली कमेटी की पर्ची से उनका नाम निकल आता हो। और अब अगली सुबह के उजाले के साथ इनका मंगाया हुआ औजार ये जकूटा लेकर निकल पड़ता है, घर पहुंचते ही गेट पर इसकी दादी अम्मा इसके इस्तकबाल के लिए खड़ी होती हैं, ऑर्डर को लेने के बजाय मोहल्ले में हल्लड़ मचाना शुरू कर देती हैं, और इसी के साथ सारा भंड सबके आगे खुल जाता है, और वैसे भी 7,000 सुनने के बाद दादी की हालत वैसे ही पतली होने लगती है। 7,000 पहले तो कभी किसी पार्सल में नहीं दिया, तू अपने लिए चाह रहा 7,000? तो इसी के दौरान पीछे से राशि भक्ति भी निकल आती है और 7,000 रुपए जकूटे के मुंह पे मार देती है, लेकिन यहाँ दादी फिर एक भंड मारती है, जकूटे के हाथ से पैसे छीनने के बाद दादी फिर राशि को घोड़ी बना देती है कि ये पैसे तूने मेरे चुराए हैं, कहाँ से लाइए, कहाँ से नहीं लाइए, किसके हैं, कहाँ से आए वगैरह वगैरह, और पीछे से ये दोनों बहनें भी फटी आंखों से घूर रही होती है कि ये अब कहाँ से निकल आया, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, सबके थोपड़ों पर टेंशन हावी हो जाती है, दिल तेजी से लौड़े लग गए गा रहा होता है।
है। इसी बीच राशि दादी अम्मा को बोलती है कि ये पार्सल मेरा नहीं बल्कि जारा शुबीना का है। लेकिन याद रहे ये लड़कियों की संगत है, लोंडो की नहीं। बिल्कुल मौके वारदात पे सामने वाली लड़की ही मुकर जाती है यार। नहीं दादी हमारा है ही नहीं। बस भाई अब छोटी वाली लड़की इन सब चीजों से बेजार होकर वो पार्सल छीन लेती है। अब इस भोसड़ी वाले को कहे मजे आ रहे हैं बे, सारा सीन ये बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहा है। नहीं खैर तो शुबीना के छीनते ही पार्सल की बूंद फट जाती है और पार्सल से जन्म लेने वाला औजार जमीन पे छुपकली की तरह पट करके जा चुपकता है। लेकिन अब भी सबके बीच दादी अम्मा को ये पता नहीं लगता कि बेसिकली इसमें है क्या चूरन। और ठीक इसके गिरने के 15 सेकंड बाद माँ का साकीना का वो खुद ही चलना शुरू कर देता है। लौड़े लग गए, आहा तुम सबके लौड़े लग गए, लौड़े लग गए। क्या कहा था? लौड़े लग गए, ए ए ए डिंग टिक डिंग टिक। तो खैर बस यार आज की वीडियो को इधर लगाते हैं। फुल स्टॉप। अगर तुम्हें इस वीडियो में किसी भी जगह हंसी या मजा आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताओ कि तुम्हारे इस वीडियो में सबसे ज्यादा फेवरेट पार्ट कौन सा रहा। और अगर तुम्हारे पास कुदरत के दिए हुए कुछ अजीज फ्रांस है तो अपने फ्रांस के साथ मेरी इस वीडियो करो दबा के शेयर। और तुम लोग मेरे दूसरे चैनल पर जाके मेरा नया रिलीज हुआ वो सॉन्ग भी सुन सकते हो, लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर तुम लोग मुझसे इंस्टा हराम पर मिलना चाहते हो तो तुम लोग वहां आ सकते हो। और अगर तुम लोग मेरी शो पहली बार सुन रहे हो तुम्हें पसंद आ रही है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलकर तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लौड़े लग गए, लौड़े लग गए।